नमस्कार, मैं हूं शालू बत्रा और आप देख रहे हैं पल पल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को चंडीगढ़ में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 27 मुद्दे रखे गए, जिनमें से लगभग सभी को स्वीकृति प्रदान की गई, जिनमें बाजरे की सुनिश्चित खरीद, तेजाब पीड़ितों को वित्तीय सहायता व माता भीमेश्वरी देवी मंदिर बेरी पूजा स्थल अधिनियम 2018 को स्वीकृति प्रदान की गई, 40 से 50% निःशक्तता पर दिव्यांग पेंशन का 2.5 गुना, 51 से 60% पर दिव्यांग पेंशन का 3.5 गुना और 61% से अधिक पर दिव्यांग पेंशन का 4.25 गुना दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सेना के सिपाही शहीद सत्यनारायण की बेटी सुजीता कुमारी को अनुकंपा आधार पर नौकरी देने की स्वीकृति भी प्रदान की गई। देखते रहिए चंडीगढ़ से पल पल के लिए यह खास रिपोर्ट। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक के अंदर टोटल एजेंडा आइटम्स 27 थी और लगभग सभी पर सहमति बनते हुए आज हमने सभी आइटम्स को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसमें प्रमुख रूप से हरियाणा माता भीमेश्वरी देवी मंदिर आश्रम बेरी पूजा स्थल अधिनियम 2018 को स्वीकृति दी गई। इसमें बेरी के अंदर जिला झज्जर में माता भीमेश्वरी देवी जी का मंदिर है। अभी तक वहाँ पर कुछ मंत और पुजारी इसकी देखभाल करते थे, पूजा पाठ करते थे, परंतु पिछले दिनों उसके बेहतर प्रबंधन और प्रशासन और अभिशासन के लिए हरियाणा माता भीमेश्वरी देवी मंदिर आश्रम बेरी पूजा स्थल अधिनियम 2018 को स्वीकृति प्रदान की है। पूजा स्थल कोष का स्वामित्व बोर्ड के पास रहेगा या बोर्ड के स्वामित्व प्रशासन और उपयोग का हकदार होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके अध्यक्ष होंगे इस बोर्ड के, और हमारे लोकल बॉडी मिनिस्टर कविता जैन जी इसके डिप्टी चेयरमैन होंगे। इसके साथ साथ जो वो पूजा स्थल पर लोग काम कर रहे हैं, अभी उसकी देखभाल कर रहे हैं, जो परिवार जो महंत हैं उसी रेशो के अनुसार वहाँ पर कर्मचारियों की नियुक्ति करने का काम करेंगे। सौर ऊर्जा क्षेत्र में महिला वैज्ञानिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कल्पना चावला हरियाणा सौर ऊर्जा पुरस्कार शुरू किया गया है। इसमें 10 करोड़ रुपये हरेडा को हरियाणा सरकार जमा कराएगी, हरेडा इसमें जमा कराएगी, और 10 करोड़ रुपये का पर ईयर जो इंटरेस्ट होगा वो इसकी नाम राशि होगी, और एक व्यक्ति को या एक महिला वैज्ञानिक को हर वर्ष इसका पुरस्कृत किया जाएगा, हरियाणा सरकार को देगा। हाँ, और 90-10 में इस पुरस्कार के लिए जो टोटल पैसा 10 करोड़ जमा होगा उसमें 10% अन्य खर्चों के लिए यूज किया जाएगा और 90% उस वैज्ञानिक की इनाम के लिए देने का काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इसके लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है, और हरियाणा से में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं सौर ऊर्जा के लिए क्षेत्र में काम करने की। जो नए वैज्ञानिक हैं उनको एक बड़ा लाभ मिलेगा।